आज जा रहे हैं कुटनी, ये गुड़गांव के आसपास ही कोई विलेज है, वहाँ पे एक भाई है लोकल, वो ऑफ रोडिंग अरेंज कर रहे हैं। तो साथ में पानी की बोतल, अंडे, डाइट और फ्यूल डलवाना हुआ है। और फ्यूल डलवाना, ये थार के फीचर्स हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि प्रेशर कम है, फ्यूल का DRL सारी डिटेल्स मिल जाती है। कन्वर्टेबल है, तो आवाज़ आ रही होगी बरसात की, कन्वर्टेबल का ये नुकसान है। आगे का अपडेट आ गया, सामने जा रही हेक्सा, जबरदस्त गाड़ी है, भारी है, 4x4 है और टाटा के इंजन की पावर है, 170 BHP के आसपास इसकी पावर है, बाकी इसका लोग इस्तेमाल नहीं करते है, ज़बरदस्त गाड़ी। डिज़ाइन फॉल्ट थी एक्चुअली, थोड़ा सा आउटडेटेड लगने लगी थी बहुत जल्दी, और पीछे से बहुत ही प्यारी लगती है। आगे टाटा वालों ने अपनी हेडलाइटें जो ये इंडिका से ढो रहे थे वही ऐड किए इसमें, वो लाइटें हैरियर में चेंज हुई हैं तो चल रही है। कॉन्टिन्यूस बरसात में ये हाल है गुड़गांव में, जो कि बुरा नहीं है क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हुई है और ये दुनिया के हर शहर में होता है। आधे घंटे में पानी निकल जाएगा, गाना भी चल रहा है पानी पानी हो गई। गुड मॉर्निंग शिकारीज, सो वी आर ऑन नाउ, अभी सारे आ रहे हैं और उसके बाद कुछ फन करेंगे। ये गौरव जी और इनकी ये है थार, और इनके ग्रुप का नाम है थार भी अपनी है, दिस इज फैंटम और रेड रनर, जोन सा भी नाम आपको पसंद हो। ये इशूज हो और कोबरा, अजगर, इसमें डिफरेंशियल लॉक आगे है ना, आगे वाले टायर में भी है और वो मैनुअल है। विच वन दिस इशूज मैनुअल, और इसका बता रहे थे भैया कि कुछ सॉरी, ये तो वो है हमारी पैंथर है, ये गोवा नंबर इज पैंथर, वो अजगर है वो। इसका कुछ ट्यूनिंग भी करवा रखा है कुछ, 290 दिस इज MUX, ओके। इसकी BHP भी बड़ा इंजन भी चेंज है इसका, 3 लीटर इंजन, और क्या मैक्सिमम BHP प्रोड्यूस कर रही है? वी हैव डन क्वांटम, क्वांटम मैप सेकंड स्टेज, BHP 285 और अभी आज की डेट में जो स्टॉक फॉर्च्यूनर आती है उसका 207 है। फॉर्च्यूनर तक पानी नहीं मांगती इसके आगे, तो इसकी पावर फील कर सकते हैं हम लोग। और इसके पीछे मेरी स्टॉक थार है, 140 BHP कंप्लीट स्टॉक गाड़ी, और ये भाई का चैनल है। एक और इशूज़ आ रही है, वो पैंथर नाम था, ये अजगर है, और इसका नाम अभी पता चलेगा। इसका क्या नाम है भाई, गौरव भाई? इसका नाम है हमारा, बरसात हो रही बताओ तो सही, अभी नाम ही तो याद नहीं आ रहा, नाम अभी सारे इनको लिखने हैं। मैंने अपने वाले का नाम सुल्तान रखा हुआ है, सुल्तान, नाइस नेम, सुल्तान हमारे रॉटवाइलर का नाम है। मैं सुल्तानपुर से भी हूँ ना इसलिए। इंद्रा वालों की थार, और ये अपने तरुण भाई ओनर है और हमारे साथ चल रहे हैं ऑपरेटिंग करने, और ये दोनों थार में कितना फ़र्क है, ये स्टॉक और ये मॉडिफाइड। मॉडिफिकेशन की डिटेल आपको पता चल जाएगी बुमरा से, मेन जो उसके टायर चेंज है, प्रॉपर ऑपरेटिंग टायर है, स्नॉर्कल है, ज़्यादा डेप्थ में जा सकती है ये, आगे का बम्पर चेंज है, लाइटें चेंज है, ग्रिल चेंज है, जीप वाली रेडियो लगा हुआ है, कम्युनिकेशन सेट है, हार्ड टॉप है, ऊपर लाइटें लगी हुई हैं और सनरूफ के साथ, अंदर भी काफ़ी कुछ किया होगा। डीप फॉगर के साथ प्यारी लग रही है। ये तो रहा लुक, और ये रहा स्टॉक, तो देखते हैं स्टॉक कितना कम्पीट कर पाती है मॉडिफाइड थार के साथ। छोटा सा आप इंटरनल कंपटीशन होगा, बाकी बड़े भाई लोग यहाँ पे हैं। लेट्स सी, ये हाल है भैया, एक सेकंड होल्ड कर रहा हूं, सारी जा रहे हैं झज्जर के पास रिकॉर्डिंग, और मेरी थार लीड कर रही है, भाई उधर सुसु कर रहा था, भाग गया क्योंकि रिकॉर्डिंग सब हो गई थी।
जिप्सी है, फिर एक लेक्सस है, फिर नई वाली थार है सुजू, फिर ये बिमरा वालों की थार है, मेरी वाली थार है। तो ये है पूरा कॉन्वॉय। गुड़गांव के थोड़ा सा आउटर में हम लोग सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी क्रॉस, ये वो लोकेशन है, बाकी थोड़ा सा पहुंचने के बाद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा मुझे। Lexus, sorry, Land Cruiser here. आज जिप्सी पे खास फोकस करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये वो होंडा सिटी है जो पीछे हमारे ठुक गई थी, बिल्कुल हमारे पीछे चल रही थी, डिवाइडर से लग के ठुकी है। और ये लल्लो गौरव भाई, इस टाइम पे मेरी थार चला रहे हैं, इनके पास खुद इसुजु है और एक थार भी है, इसके पर इनके पास फोर्स से भी थी। और हम यहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कुतानी, और आज आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग दिखाएंगे। एक्स्ट्रीम बेसिकली इनका मानना है कि फॉलो नहीं करते, तो हम आगे आगे चल रहे हैं इनकी वजह से। मैं होता तो पीछे होता। नहीं नहीं यार, पीछे रहने का क्या फायदा, किसी को फॉलो थोड़ी ना करना। हाँ ये भी अपने ही है, हमें फॉलो करेंगे, टेंशन लेने का। अभी ये सारा एरिया दिखाइए, अभी यहाँ पे बेसिकली ये सारा स्लिपरी है, ये ब्लैक सॉइल कही जाती है, खारे पानी की जमीन। यहाँ पे खारा पानी कहाँ से आ सकता है? खारा पानी यहाँ पे जमीन में नीचे ही है भाई, जमीन के नीचे ही है, जमीन के नीचे खारा पानी है। यहाँ पे जो खेती होती है ज्यादातर सरसों की खेती होती है, तो अभी ये बरसात हो रही है तो इससे सरसों तो खराब हो रही होगी ना? नहीं, सरसों खराब नहीं हो रही, बीज है, पानी डलेगा अभी तो फिर शुरू हुई है, अभी तो बीज डाल ही होंगे। हाँ, लेकिन इतने पानी में सड़ भी तो सकता है, सड़ेगा थोड़ी ना, अभी तो स्टार्टिंग है ना। अभी तो आप पहली बार यहाँ के गाँव वाले कह रहे हैं की आप लोग आए हो यहाँ पे, आप लोगों ने जमीन ली है, जस्ट अभी आप लगा लो आज से 3 महीने पहले यहाँ पे जमीन ली है, तो गाँव वाले कह रहे हैं यहाँ 48 साल बाद बारिश हुई है, और इतनी भयंकर बारिश हुई है कि यहाँ जो सब कुछ भर गया है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये लोग यहाँ पे फार्मिंग के लिए इन्होंने लैंड एक्वायर किया हुआ है और ये प्रॉपर फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये लौंडे सिर्फ ऑफ रोडिंग नहीं करते, ये एंटरप्रेन्योर हैं एक तरीके से। और बेसिकली गुड़गांव में हमारा बैटरीज का भी काम है, बालाजी बैटरी है, कोई भी बैटरी जरूरत हो भाई को याद कर सकते हैं, गुड अर्थ के सामने। तो यहाँ पे हम ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं पानी यहाँ पे कितना ज्यादा है, ज्यादा तो खैर क्या कह सकते हैं, बट हाँ फिर भी है, ये ब्लैक सॉइल है तो यहाँ पे स्लिपरी ज्यादा, बेसिकली काले मिट्टी, ये भाई ये कहना चाह रहा है कि काले मिट्टी की जमीन है, तो यहाँ पानी बड़ा जल्दी नहीं सूखता है, तो ये 15 दिन के अंदर ये पानी सूखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं, इस गाड़ी के हमारे स्टॉक टायर है, स्टॉक टायर के अंदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा हमें, गाड़ी निकलने में थोड़ी परेशानी होगी, बट कोशिश करेंगे गाड़ी निकालने, स्ट्रगल होगा मतलब थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा सा होगा, बट हाँ हम आपको निकाल के दिखाएंगे इस गाड़ी को। और वो आपको मिट्टी दिखाई देगी वहाँ पे, वो हमारी जमीन है वहाँ पे 11 एकड़, हम बेसिकली यहाँ पे श्रिम फार्मिंग कर रहे हैं, श्रिम फार्मिंग मतलब झींगे की फार्मिंग, आप आएंगे तो हम आपको झींगा खिलाएंगे आप लोग। और अब हम यहाँ से लेफ्ट लेके, और ये जमीन है सारी, ये सारी जमीन, ये गुड़गांव के लौंडे हैं जो यहाँ गदर मचा रहे हैं, है भाई? नहीं, गुड़गांव नहीं, सोनीपत के लौंडे हैं जो गदर गुड़गांव में मचा रहे हैं। अच्छा, सोनीपत के लौंडे हैं जो गदर गुड़गांव में मचा रहे हैं। यस, और तो ये रोड हमने बिछाया है भाजी, ये रोड नहीं था यहाँ पे, बेसिकली ये रोड हमने बिछाया है यहाँ पे, यहाँ पे कोई रोड नहीं था, ये सारा रोड हमने बनाया है, ये समुंदर में आप आ चुके हो। ये एक बात बताओ, इसे रेस्क्यू करने के लिए कोई हमारे पास बैकअप है, कोई ट्रैक्टर वगैरह? भाजी आप हमारे साथ आए हो तो हम आपको बैकअप नहीं देंगे क्या? हमारे पास बेसिकली अपने खुद के ट्रैक्टर हैं, 2 ट्रैक्टर हैं, तो हम आपको इजीली रेस्क्यू कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए।
ट्रैक्टर देखेंगे आपको, ट्रैक्टर देख के ही मजा आ जाएगा कि ऐसे ट्रैक्टर इतने बड़े बड़े। अब बताओ आपको कौन से खेत में जाना है, जिस खेत में जाओगे उस खेत में उतार के आपको घुमा के लाएंगे। आन दो भी बाकी बाकी होते बाकी शायद पहले ये सुजू जा रही है। लो में है ये गाड़ी। ये जितनी घुसी है और तो आसू भैया हो गया काम इसका। तो ये लाल ये काली मिट्टी की वजह से ऐसा है। अब कुछ नहीं होगा इसका, ये आगे पीछे करके बस मोशन को इंडिया में बहुत बहुत सारी ऑफ रोडर आती रहेंगी फ्यूचर में भी, बट जिप्सी जिप्सी है। क्यों 100% है भाई, ये तो मीन मशीन है हमारी, ये सबसे प्यारी मशीन है जो इंडिया ने यूज किया और बाद में इंडियन आर्मी ने भी यूज किया था। पेट्रोल 1.5 लीटर का इंजन है इसका, 1.3 लीटर का। और BHP कितनी है भैया, क्या फायरिंग है। राउंड मार राउंड बैक में लाके और ऐसे घुमा के ले आना, यही से बनाना। टेस्टिंग तो आज इसकी होगी, थार की स्टॉक है। Too good. काले आप बस्ती रहनी चाहिए। घुमा। सीधी नहीं जाएगी, घुमानी पड़ेगी। मुदित। मोबाइल गिर गया। कहाँ? पहले यही गिर गया बस्ती। अच्छा। पहले उठा ले। रुको। 10 मिनट में कर रहा हूँ आपको। कौन सी बची है, नई वाली था फिर अभी कपड़ी गई है। अच्छा वो चलो एक मिनट रुक, चल मुझे कमान सीधा ऊपर कर।
जो दिस इज कॉल्ड पेट्रोल पावर। वो जो लैंड क्रूजर है वो भी पेट्रोल है ना, बाकी डीजल है। ये फंस चुका है। ये क्या? गाड़ी रिकवर करके ला जा। इधर ला इधर। इसके लाऊंगा। हैं? सांप है ये। सांप पानी। मजा ऑफ रोडिंग का वो पहले कभी नहीं आया था। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो। अभी मैं रिसेंटली मसूबरा से आया था, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत किया था, बट वो मज़ा ही नहीं आया तो मैंने रिकॉर्ड भी ढंग से नहीं किया। ये सुजुकी फंसी हुई है, उधर आगे लेक्सस फंसी हुई है, लैंड क्रूजर फंसी हुई है। डीजल है, नॉर्मली लैंड क्रूजर पेट्रोल में आती है बट ये डीजल। लोग कह रहे हैं यहाँ पे सांप भी बहुत है, ट्रैक्टर बुलाया गया हुआ है, देखते हैं। बट जिप्सी का मुकाबला नहीं यार, झटका मारेंगे यार। ओके वेट, 1 2 3। अरे मैंचो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है यार ये झटके देख के। है भाई कोई बात नहीं, कल फैक्ट्री में यही काम करना है। ट्रैक्टर आएगा। नहीं नहीं, इसमें रहने तो ये ना हल्की है, ये नहीं खींचती। मैंने देखा ये रिकवरी नहीं करती। इसूजू से रिकवरी हो सकती है, इनसे नहीं होगी। तो पॉइंट ये है कि भाई इसूजू को निकालने के लिए थार सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसका वेट कम है। तो हम लोग एक हैवी वेट वाली व्हीकल यूज करने वाले हैं जो है हमारी लल्लो। लल्लो अब लल्लो आएगी आगे। लल्लो आएगी आगे। ये 16 लाख रुपए पानी में डूबते हुए 3-4 झाटू बेंचो थी ये गाड़ी लेके आए। बड़े निकल जाएगी लेकिन। तो लौंडो अभी अपडेट ये है, ये हमारी सुसु है। थोड़ा ज्यादा बिलीव था, थोड़ा जल्दी फंस गई। मैं भी कुछ कह नहीं सकता, टेरेन का होता है, गड्ढे में लग गई होगी, कहीं रेस दिया होगा और बैठती चली गई। और इस टाइम पे देखो आप पैर कितना धंसेगा, ये पैर इतना धंसेगा। तो मेरी वाली थार यहाँ से होते हुए आगे फंसी है। ये लेक्सस के ओनर बता रहे हैं इनकी 270 BHP का इंजन है। मुझे नहीं लगता कोई टेरेन कंट्रोल इसमें है। तो यहाँ मेरी थार फंसी हुई है, एक अटेम्प्ट और करूँगा, एटलीस्ट लेक्सस से तो आगे जाए यार। सर लैंड क्रूजर ही लग गई है। अच्छे से बॉडी लग गई है इसकी, भारी है ना।
थैंक यू भैया। हो रही है रियल ऑफ रोडिंग। बेसिकली मुझे ये प्राउड था कि थार एक देसी गाड़ी है जो शहरों में डिमांड में है, और यहाँ तो यार ट्रैक्टर फंस है, फिर इनकी क्या हैसियत है, फिर भी इतना जोतते हुए आ रहे हैं। और डीजल में तो थार की पावर यार अंडर पावर है, गाड़ी बहुत अंडर पावर है, साफ फील होता है। मतलब आप 100 BHP में, या तो आपका वेट बहुत हल्का हो जिप्सी जैसा, हालांकि जिप्सी वहाँ पे इस तक है, जिप्सी पे लेके जाता हूँ आपको। थार तो फिर भी आ गई, बिल्कुल काली मिट्टी वाली है ये, इतनी गहराई है। तो ये हरियाणा के लौंडे उठाने वाले हैं जिप्सी। जोर देख रहे हो, अभी यूनाइटेड नहीं हुआ, बट ये भैया ऑफ रोडिंग हम कुछ यूं करते हैं। ये लिटरली फंसी हुई है, पानी और गया, अब नहीं मिलता उसका। पहली कह रहा है मां दिखाओ, मां चोटी से गरीब आदमी के साथ ऐसे करोगे तो मार दूंगा। ऑफ रोडिंग करने आया था कि ये गरीब है, ये गरीब है, ये लेकर की तुझे गरीब है। चलो मैं यहाँ से उठाऊंगा। मुदित भाई एक बात बताओ कि ये जिप्सी से मेल वाली फीलिंग आती है फीमेल वाली? मेल वाली आती है। मेल वाली है, कैसे और क्यों? सब कुछ वीडियो पे। रिकवरी के लिए ट्रैक्टर और एक हमारे पास जिप्सी भी है। मेरा मन तो जिप्सी से निकालने का है, जिप्सी से इस जिप्सी को निकाला जाए, बट वो सीधा ट्रैक्टर ट्राई करने वाला है और मुझे उम्मीद है ट्रैक्टर भी फंसेगा, मुझे इस बात की 200% चांस होगा। तो डिस्कशन ये है कि भैया इसमें बम्पर निकलेगा कि नहीं। आशुतोष भाई कह रहे बम्पर को कुछ नहीं होगा, मुदित भाई जो कि ओन करते हैं वो कह रहे बम्पर निकल जाएगा। यही बात है भाई, इसमें ऊपर बांधे हो, बात कर लो भाई साहब से, हो गया। लो रेंज में लगाई है, टू व्हील ड्राइव है, टू व्हील ड्राइव वर्सेस फोर व्हील ड्राइव। हल्की है जबकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बात और पता चलता है, ट्रैक्टर का मुकाबला नहीं है। तुम कुछ भी फोर व्हील ड्राइव लाओ, कुछ भी लाओ, ट्रैक्टर भैया ट्रैक्टर ही है। बम्पर चेक कर लेते हैं जो हमारी डिस्कशन हो रही थी। कोई नुकसान नहीं बम्पर का? मुदित भाई बम्पर सेफ है आपका? कह रहे हैं कि ऑफ रोडिंग जाए भाड़ में, गाड़ी जाए भाड़ में, पहले शराब पीते हैं, चिल करते हैं। सारे लाइव तो नहीं है नहीं 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 रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कभी ना कभी तो लाइव जाएगी, लाइव तो जाएगी। तो रिकवरी करने के लिए आई था ट्रैक्टर, और इसका भी हो गया। नाली में फंस गए हो? नाली हाँ, तो पहले क्यों ना बताई? ये तो वो खोज रखी है, उड़े तो पानी की बारिश है। तो ये भैया गीली मिट्टी का स्वाद, आपके पास कुछ भी हो लेकिन फिर भी आप फंस सकते हो। तो ट्रैक्टर आया था मैं रिकवर करने, अब खुद रिकवरी करवा रहा है जिप्सी से। और जिप्सी पीछे, ये जिप्सी अभी फंसी।